देश आजादी को अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे में उन लोगों की चर्चा करबो बेहद जरूरी है जो सेना में भारत माता की रक्षा के लाने जाऊत हैं, और कई ऐसे परिवार भी हैं जो पूरों को पूरा परिवार अपने आप को सेना के जरिए भारत देश की सेवा में समर्पित करते। हम आपको बुंदेलखंड इलाके के ऐसे एक परिवार से मिलवा रहे हैं, जालौन जिला के गोरा चिरैया गांव में रहने वाले रिटायर्ड सूबेदार मेजर कल्याण चंद पाथम से, जे वर्तमान समय में जालौन में रत हैं। इन ने सन 1965 में सेना ज्वाइन करी थी और सेना में रहत भय पाकिस्तान के संग भय युद्ध में भारतीय सेना को अंग बन के युद्ध के मैदानों में अपनो बहुमूल्य योगदान दो। और बड़ी बात जाए कि कल्याण चंद पाथम खुद अकेले सेना में नहीं रहे, बल्कि जब इनके बेटा बड़े भाई सो इनने अपने दो ही बेटों को भारतीय सेना की तैयारी कराई और भारतीय सेना में उनको नियुक्ति मिली। इनमें से एक बेटा सेवानिवृत्त हो चुके हैं और दूसरा बेटा सूबेदार मेजर के पद पे अबे भी अपनी सेवाएं दे रहा है। कुछ कारणों बस हमें शौक था कि हम देश की सेवा करेंगे। हम 27 दिन को पहले पुलिस का इंटरव्यू दिया, वहाँ भी सिलेक्ट हो गए। अनपढ़ होने के नाते उमंग उठी कि हम देश की सेवा करेंगे, जिसमें अगर मर भी जाएंगे तो साल में 2 बार हमें सलामी मिलेगी। लेकिन किस्मत भगवान की कृपा अच्छी रही कि अभी तक हम ठीक हैं, हमारे बच्चे दोनों आ। जब भी मैं छुट्टी आता तो वर्दी लगा के टोपी लगा के घूमते। उनके दिल में शौक था, मेरा लक्ष्य था कि मैं चारों बच्चों को लगाऊँ। सबसे बड़े बच्चे का दिल नहीं दिखाई दिए, जिसको हमने कॉलिंग करा के ले भी गए थे, वो भी भर्ती हो जाता। और छोटे बच्चा जो था वो उम्र में पूरा नहीं था। जब मैंने कुर्सी छोड़ा वहाँ से तो वो उम्र थोड़ी थी। फिर उसके बाद जहाँ एक बार आर्मी छोड़ दे फिर आर्मी की, तो बस उस टाइम पर हमारे देश की फौज के पास इतना साधन भी नहीं। बहुत कठिन समस्या से गुजरना पड़ता था। अभी उस टाइम पे जो लड़ाई लड़ी तो हमें अचानक 11 बजे रात को आदेश मिला कि आप एक ट्रुप लेकर के मूव करिए जंगल अखनूर में, वहाँ से ऊपर राशन पानी भेजना, अम्युनिशन भेजना। तो रात में उस साइड से आने वाले जो रोड हेड के ऊपर जो एनिमल ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकता था, वहाँ से हम लोगों को कंधे पर अम्युनिशन उठा के 5 राजपूत को देना पड़ा जी। और रातों ही रात वापस आके 2 ट्रिप मार के नदी पार करके पूरे पानी से भीगे हुए उनको अम्युनिशन दिया। बड़े खुश हुए, बोले अब फूंक दो फलो। उनके दिल में उमंग थी, उनके पास अम्युनिशन खत्म था। कितने गर्व के पल होते हैं जब कोनू बेटा सेना में जाऊ थे कोनू परिवार के लाने, लेकिन जो परिवार को पूरे नगर और बुंदेलखंड को गर्व है चाहिए, जी परिवार के एक नहीं बल्कि 3 लोग सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जालौन से रविकांत द्विवेदी, बुंदेली, बौछार के लाने।